नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल इंटरनेट से सीखो में। तो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती जो कि 553 पदों पर होगी भर्ती, सहायक अभियोजन प्राधिकारी यानी APO की सहायक अभियोजन यानी APO की जो है बम्पर भर्ती आ रही है, जो कि 553 पदों पर हो रही है भर्ती। और सभी स्टेट के महिलाएँ और पुलिस भी इसे आवेदन कर सकते हैं। और क्या शैक्षणिक योग्यता है और क्या उम्र सीमा है, क्या इसकी प्रक्रिया सिलेबस है, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और क्या नोटिफिकेशन है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटे के बटन को जरूर दबा देंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हर न्यूज़ की जानकारी आप पहले ही पा सकेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती 2020 सहायक अभियोजन पदाधिकारी यानी APO 553 पदों पर होगी भर्ती। सभी स्टेट के महिलाएं एवं पुलिस करेंगे आवेदन। और शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, क्या चयन की प्रक्रिया, सिलेबस, पूर्ण संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। क्योंकि ये लंबा होगा वीडियो, क्योंकि मैं इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन की प्रक्रिया, सिलेबस, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो इसका ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसका जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर। ऑफिशियली वेबसाइट पे जाने से पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन के बारे में मैं कुछ देने वाला हूँ। तो चलते हैं उसके नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है मैं उस पर आ चुका हूँ। और विज्ञापन संख्या भी आपका दिया गया है 1/2/2020 और सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2019 की। तो गृह विभाग अभियोजन निदेशालय बिहार के अंतर्गत सहायक अभियोजन पदाधिकारी के जो कुल 553 पद हैं उन पर नियुक्ति हेतु जो है सुयोग भारतीय उम्मीदवारों से विविध पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि इसका ऑफिशियली वेबसाइट यह है bpsc.bis.nic.in। और इसकी क्या रिक्त पदों की कोटिवार है, क्या इसकी संख्या है, मैं आपको सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आरक्षित अनारक्षित के लिए कुल पद जो है 225 हैं और जो अन्य अनुमान्य जो कि कुल पदों की संख्या से लिया गया है, जो कि अनुमान्य पदों की कुल संख्या 77 है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55 है, अनुसूचित जाति के लिए 88 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 88 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 74 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 22 है। इन सभी को मिलाकर के 553 पदें होती है दोस्तों। और जो पिछली जो कि कुल पदों की संख्या में जो 35% शैक्षित आरक्षण के लिए दिया गया जो महिलाओं के लिए, उनके लिए 188 कुल सीटें दी गई है। और दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो वेतनमान होगी तो दूसरे नंबर में आप देख सकते हैं वेतनमान लेवल 9 के अनुसार होगी। और शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि में जो है आपका स्नातक होना चाहिए। और दोस्तों, जो कि इसमें आप देख सकते हैं उम्र सीमा का जो है 1/8/2019 को न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 37 वर्ष का होना चाहिए, जिनमें कि आपको ये अनारक्षित के लिए 37 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उन्हें 42 वर्ष की आयु सीमा दी गई है। और दोस्तों, इसकी जो चयन की प्रक्रिया है आप देख सकते हैं, चयन की प्रक्रिया सहायक अभियोजन पदाधिकारी के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के 3 चरण होंगे, जो कि प्रारंभिक चरण होंगे आपका प्रथम, जो कि प्रथम पत्र होगा सामान्य अध्ययन से आपको 100 पूर्णांक के क्वेश्चन पूछाएंगे, और द्वितीय पत्र में होगा विभी से आपको 150 पूर्णांक के होंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इनमें जो दिया गया आपका जो कि सामान्य वर्ग के श्रेणी में आते हैं उन्हें 40% की अंक प्राप्त करने की दी गई है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 के दिया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 34 के दिया गया, और अनुसूचित जनजाति जो अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग या विकलांग को है वो उन्हें 32 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी जा करके आपको जो है ये पास किया जाएगा। ये सारी बातें थी दोस्तों। और आरक्षण के लिए जो भी दिया गया है आप देख सकते हो,
आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस फॉर्म को भरने से पहले आप पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप उसे पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों, और इसमें जो आपका मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि है और इसकी जो स्टार्टिंग तिथि है और क्या क्या इसमें है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो प्रारंभिक जो भी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो दिया गया प्रथम पत्र में आपको, जो कि मैंने आपको बताया सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रथम पत्र जो होंगे सामान्य अध्ययन से होंगे, और द्वितीय पत्र जो होंगे आपको जो भारतीय दंड संहिता जो दिया गया था 1860 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, जो आपको सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मुख्य परीक्षा जो होंगे दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा निम्नलिखित पत्र होंगे, जो उनके प्रथम पत्र में सामान्य होंगे, जो कि 100 अंक के द्वितीय पत्र है हिंदी भाषा, तृतीय पत्र है अंग्रेजी भाषा, चतुर्थ है भारतीय दंड संहिता 1860 की है, प्रथम पत्र जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के है, और छठा जो है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है, और सप्तम पत्र जो है अन्य विभिष्य है, यानी इनका भी जो कि पूर्णांक है वो भी पूर्णांक भी दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो न्यूनतम 30 अंक होना चाहिए आपको परीक्षा में। और दोस्तों मैं साक्षात्कार का मैं बता दूं तो साक्षात्कार हेतु आपको 100 अंक निर्धारित हैं, जिनकी कि साक्षात्कार हेतु वैसे ही उम्मीदवार को बुलाया जाएगा जो कि हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर शेष अन्य विषयों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग जो कि बिहार के संकल्प संख्या जो आपको दिया गया है 2374 और दिनांक 16/7/2007 के पत्रांक इतना 6706 दिनांक 1/10/2008 द्वारा विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में नियोजित न्यूनतम जो है ऐसे आरक्षण का दावा रखने वाले जो है जो कि बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 और दिनांक 26/2019 के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संकलन करेंगे। ये सारी थी, और जो भार ऑनलाइन आवेदन भरने की जो क्रम संख्या है आपकी दोस्तों, वो उसमें आपको साक्षात्कार में उपस्थित क्या क्या लेके जाना है, तो ओरिजिनल कॉपी जो सत्यापन हेतु जो दिया गया मैट्रिक प्रमाण पत्र आपका होगा पहला नंबर में, उसके बाद जो कि आपने स्नातक में अंक पत्र होगा वो होगा स्नातक डिग्री का अंक प्रमाण पत्र होगा, और जो किसी भी वर्ग के होंगे चाहे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो SC ST हो उसका दावा करने के लिए आपका जो OBC होता है वो भी चाहिए। और ये सारी बातें थी दोस्तों, तो मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, और शुल्क में अगर देखा जाए तो 600 रुपये के सामान्य को मिलेंगे देने होंगे, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उन्हें 150 रुपये देने होंगे। और दोस्तों आपको ऑनलाइन किसी भी भुगतान के थ्रू आपको करने होंगे, चाहे वो आपका इंटरनेट बैंक हो या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से आप इसे डाउनलोड जो कि इसका फीस है वो आपको जमा करने होंगे। तो दोस्तों और क्या क्या प्रक्रिया है तो मैं ज़्यादा विस्तार रूप से बता नहीं पाऊँगा क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस एप्लीकेशन को आप लोग अच्छी तरह से डाउनलोड करके, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से पढ़ समझ करके तभी इस फॉर्म को भरेंगे। तो मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका 7/2 से लेकर के 21/2/2020 तक की है, और 26/2/2020 तक की जो है ऑनलाइन माध्यम जो है आपका भुगतान करने की दी गई है, और ऑफलाइन जो कि आपकी अंतिम तिथि आवेदन भरने की है वो 6/3/2019 तक की है, सॉरी 6/3/2020 तक की दी गई है। आपको किसी भी टाइम इसे फॉर्म को आवेदन पूर्णतः रूप से भर लेने हैं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और इतना शेयर करेंगे ताकि जो भी कैंडिडेट्स इसको इस फॉर्म को भरना चाहें वो इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो दोस्तों जो भी लिंक होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती हो तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ करके आप हमसे कमेंट कर सकते हो। तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये सारी बातें थी, तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का धन्यवाद।